ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਬਾਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਠੇ ਨੂੰ ਗਾਦੇ ਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾਂਤ ਕੱਢੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਲਾਠੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਆ ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚਪਨ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ साल लगभग पुराना किलो है 200 साल का करीब। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं बलराम और थे देख लो जल को चूरू। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल बटन प्रेस करो ना भूलिया। आज आप बिना देसर गांव में आया। किले की जगह की प्रसिद्ध रीढ़ी है, कितो पुरानो किलो है, के कुछ किलो को इतिहास है बिग बार आप जान से। इतिहास और है कि मूल रूप से दोले सिंह जी ने कहा प्रश्नों का और लाल सिंह जी के मलाइता का बड़ा इंचार्ज आ और लाल सिंह जी का दो लड़का लाल सिंह जी का बड़ा भाई है सरदार सिंह जी बीकानेर की गाड़ी पर बांका औलाद को नहीं सरदार सिंह जी है। लाल सिंह जी मिन्नत करता कि मारे डूंगर सिंह ने गोद ले लो। दुले सिंह जी बोला गोद बांकन को नहीं गोद मेरे के नहीं पहले मारी भाणजी रिश्तों करो सत्ता सर और फिर गोद में कराशियो शादी होगी। सरदार सिंह जी का सुरगवास हो जो तो पहले गाड़ी बैठे गाड़ी खाली को अंदर है और मैंने गादीपुर बैठा के बैठे पांच सलाम में सलूम अफसर सगड़ा दस्तूर होकर फिर चले वो कर दियो सरदार सिंह जी को दाह संस्कार करने। तो दुले सिंह जी एकमात्र व्यक्ति था लगा डूंगर सिंह जी ने गादी बिठाने में सक्षम गया और दिन के बाद में दुले सिंह जी डूंगर सिंह जी सीधे स्वभाव का है। गंगा सिंह जी बहुत तेज स्वभाव का है, नजर ही पहचान देता, नजर ही कमी होती तो देश निकलो और मैं निर्णय लेता को नहीं सब निर्णय डूंगर सिंह लंबे टाइम की बकाया पड़ी बहुलपुर तानी बीकाने स्टेट में हो वैसे नोमित बैठे गादी बैठता अकाल पड़ गयो। डूंगर सिंह जी चिंतित हो गया भाई जनता ने क्यों पोक्ष क्यों खासी जनता तारी बकाया बहुत पड़ी है मैं सारी भया खंगाल ली अनपढ़ आप है खुद बोले सिंह जी बकाया यही के भागवीर तो नहीं बाकी बकाया पड़ी है थारी रोगा योगा हो थार विश्वास पात्र भेजो पहले बैंक विश्वास पात्र भेजा बाहू एक उतार पड़ी को नहीं बोले सिंह जी कहे बोले रुपया में चारा ना मेरा जिद करके लू तो बिना दे सर लू वो 100 ग्राम ले लो 200 ग्राम बोले कोई बिना दे सर लेना मन तो इंदिरा सा का अन्याय करे यूं करके बात तो बाहू गई आंधी अठा मारा कोतवाल जी बुढ़ा बुढ़ा ब्राह्मण बताता है बाहुलपुर सोना चांदी राजवारा सात सात छाटी मारा माई उतराता मैं तो टाबर आ गए वो धन आयो तो कहूँ दो तो 100 हाथ की बांझी का जोड़ा करा दिया तो गाँव पीतो गाँव गट के पीछे और वो जोड़ो तो देखो तो देखता रहे जो ऐतिहासिक चीज है और भी मैं आज राज में संभाल को नहीं पा रहा वसुंधरा जल स्वावलंबन योजना चलाई भी मैं भी अंधेरा की रक्षा को नहीं और जनतंत्र में आज तक 1 रुपये को लगाए कोई सरपंच कोई देख रहे को नहीं लेकिन मालिया को लागे रहेगा अन खत्म को नहीं कर सकिया बहुत मजबूत है दोनों और ठाकुर जी का मंदिर और गांव के बीच में है वो भी आगे बनाए रहे स्कूल आगे बनाए रही है धर्मशाला है भी जोड़े पर यात्रा के रुकने वास्ते रोटी बना ले तो ऐ सब अंका अकाल में बनाए रहा है जनता की मदद भी हो बोकरी और अकाल पड़ता भी टाइम जिया जितना आगे मान सम्मान करो और आगे बहुत विरोध हो जागीरदार भी करो दूसरा और भी करो अंग्रेजा तक पहुंची शिकायत लेकिन गंगा सिंह जी बोला मेरा इस आदमी वगैरह काम नहीं चल सकता और 7 दिन रहा ऊपर शीश महल बनाए रहे तो एक बार कोई वॉइस राय आई ऊपर तो और वो सिस्टम राज करने को अलग हो शेर चाड़े यार ऐ को निया गंगा सिंह जी को थोड़े ना मुलुक गया अंश गया दुले सिंह जी की नागी लोग बै कुछ कर रही हूँ गए दुले सिंह जी ऐ इंडी मूर्ति आवे बराबर दांत काटो राज करो लाठे मतलब सोरी फेल करके निकल गया गंगा सिंह जी किसी के सामने सोरी फेल नहीं करते थे। बीकानेर के इतिहास में दुले सिंह जी ने जो किया लालगढ़ पैलेस महाराजा लाल सिंह जी डूंगर सिंह जी और गंगा सिंह जी के पिताजी थे तो स्कीम सारी दुले सिंह जी की बनाई हुई थी। दुले सिंह जी ने मतलब लालगढ़ पैलेस इतना बड़ा बनाया कि आज देखने लायक जूनागढ़ को कम देखते हैं लालगढ़ ज्यादा देखते हैं। एक मंदिर है शिवबाड़ी में लालेश्वर महादेव लाल सिंह जी के नाम से और डूंगरेश्वर महादेव डूंगर सिंह जी के नाम से और सोने चांदी का नांदिया कुवाड़ और ऊपर सोने की कारीगरी देखो तो देखता रहे जो बहुत आलिशान और सोमगिरी जी महाराज चीफ इंजीनियर रिजाइन करके और भी मंदिर में सेवा पूजा करता रही कोरोना में खत्म हो गया बहुत बड़ा साधु और साधुओं में भी बहुत प्रतिष्ठित था। एक और रहे हो इतिहास यहाँ रहे हो कई तो भैरू सिंह जी का नाम ना हसन वाली का था चूरक सारे सौभाग सिंह जी सौभाग सिंह जी का जो लड़का बस लाठे देता और भैरू सिंह जी को बचपन राजस्थान पत्रिका में साफ लिखा हुआ है बचपन यही गुजरा है डायमंड को तो खींचड़ा बनता और थाल
त्यहाँ अलग व्यवस्था थी, बाद मंत्री रहा और उपराष्ट्रपति बन गया बाबू सिंह जी को। मतलब बचपन किला में जो बिना देश को जो किलो है गुजरे हो। हाँ बिल्कुल, इतना साल लगभग पुराना किलो है, 200 साल का करीब, 1757 को निर्माण करेडो है जगह बिल्ले सिंह जी। हाँ बेटा मतलब दीवान रह चुका जगह महाराजा गंगा सिंह जी का। दो पीढ़ी तक डूंगर सिंह जी गंगा सिंह जी तक बिल्ले सिंह जी करो जो बीकानेर स्टेट में। लालगढ़ पैलेस लाल सिंह जी के नाम से बनवाना, लाल पत्थर में सारे लाल पत्थर में खुदाई में देखो देखता रहे जो लक्ष्मी निवास पैलेस देखो, शिव वैली देखो, मारे सिद्ध भाई साहब शिव वैली में रहे, कोई साहब देखो कोई बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, बहुत आलीशान बिल्डिंग, ये सब दुल्हे सिंह जी की देन है। गंगानगर एक जिले हो हनुमानगढ़ बाद में बने तो वो एरिया भी पंजाब वालों क्लेम कर दिया, तुम्हारे है अंग्रेजा की शिकायत गई और वह आया बस शिकायत आई डूंगर सिंह जी की, डूंगर सिंह जी चिंता हो गया थोड़ा चिंता, मेरे पास इलाज है मैं सब कर दूंगा, कंकड़ी गोनी अपनी गद्दी गोनी बोले गद्दी में रातों रात गाल दूंगा फौज को इसलिए जाऊंगा सब उगाई करी मैं तो इनके मैं बीच बीच की लंबी बदमाश की उगाई नहीं उड़ देने की बदमाश आते कहा बैठा बॉर्डर सील कर लियो फौज में ले गया ठू बॉर्डर सील करके तंबू गाड़ दिया मतलब ये बदमाश ले और ये बदमाश लिस्ट ही बगने गाई होड़ कौन दे बदमाश है गुंडा है तो बन पहले कचअप कर आगे बंदूक रिवाल्वर बंदूक दे दे आगे खड़ा कर दिया बोले आ थारे उगाई करो नहीं थारी खैर नहीं है तो बोले कुछ भी हो कुछ शक्ति दिखाई वो सारी उगाई करके अखार बखार भर दिया जूनागढ़ का। सरदार सिंह जी की डेथ के स्वर्गवास के समय सरदार सिंह जी का खजाना बांटिया बाणिया बोली गया और बब भी डूंगर सिंह जी गादी बैठने के बाद में दिल्ली सिंह जी खजाना इला फुड़ा के पत्थर मंगा निकलवा लियो निकलवा लियो तो धन की कोई कमी नहीं रहने दी। लोगों की धारणा है प्रचार कर रहे हैं जनता का शोषण किया है, ये कड बना लिया जोड़े बना दिए झूठा नाटक कर दिया वो कर दिया, ये बोमबाजी है, ये सब मुसलमानों का धन है, वहाँ हिंदू भी होंगे उगाई तो सगला को नहीं हुई बिल्कुल, लेकिन अपनी भट्ठे में संख्या नहीं है बिल्कुल नगण्य है तो भट्ठे ठेठ भावलपुर तो यही है पानी पीने को नहीं घी मिल सी कुंटला में था बीकानेर स्टेट का ये था औरतों के साथ सख्ता नहीं करोगे उनसे बात भी नहीं करनी है उसके पास से नहीं गुजरना है अगर आदमी नहीं है तो बात नहीं करोगे उगाई नहीं करोगे सम्मान कर बल्कि मान सम्मान ही रहना चाहिए। बह दाने में निकल जाता भाग जाता ऊँट भागे स्पीडली आगे आगे सूचना बॉर्डर क्रॉस करके आगे चला जाता उगाई होती को नहीं यहाँ करके बाबा उगाई लंबा टाइम अटकेड़ी आबा डूंगर सिंह जी करी और डूंगर सिंह जी के बाद में गंगा सिंह जी बैठा तो दो पीढ़ी तक के तो ऐहा बंग बाद में लड़का भैरू सिंह जी और भैरू सिंह जी के बाद में चतरसाल सिंह जी और चतरसाल सिंह जी का दो लड़का हुआ कान सिंह जी और एक संपत सिंह जी तो प्रश्नेव को गढ़ भी यहाँ कोई बनाए रहे क्योंकि मूल रूप से प्रश्नेव का ही है। चतरसाल सिंह जी का दो लड़का एक कान सिंह जी एक संपत सिंह जी, संपत सिंह जी प्रश्नेव गोदा और संपत सिंह जी कुंवारा खत्म हो गया तो चतरसाल सिंह जी के दिमाग में होगी कि प्रश्नेव गोद दे दिया जाना खत्म हो गया लाडलो बेटो हुआ छोटा ऊपर मन हुआ तो यहाँ करके थोड़ा दुखी ज्यादा हो गया बोले नहीं गोद कौन रखा मैं लेकिन वो परिवार तो एक ही हो दीप सिंह जी। हाँ ठाकुर साहब तो चार पीढ़ी गुजरी है पांचवी पीढ़ी में बैठे आना लगभग कितना साल हो गया जब इन देश का किला 60 साल के लगभग मैं आईओएस में टीचर हो सातड़े मेरा ननियाल है थेला सर गढ़ में। अगर वो वीडियो था पसंद आयो तो वीडियो लाइक करें और चैनल ना सब्सक्राइब करो ना भूलिया और वीडियो शेयर भी करें सागर जलको चूरू से या फिर कोई भी था क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। जय चूरू जय जय राजस्थान जय हिंद।